नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो जी मैं आ गई थी इधर और शाम के बजे हैं कितने, 6:30। तो 6:30 बजने वाले हैं शाम के, और मतलब यहाँ आके सुकून सा मिल रहा है। और ये है भी कि चाहे कहीं भी हो, चिड़िया अपने घोंसले में आके खुश होती है। तो मेरा भी कुछ कुछ वैसा ही है कि जहाँ हम रहने लगते हैं, चाहे फिर वो घर अपना है खुद का या किराए का या कैसे भी, लेकिन जहाँ हम रहने लगते हैं वहीं की आदत हो जाती है और अच्छा भी वहीं पे ही लगता है। तो ये मैं सामान लेके आई हूँ, इसमें गिल्ले सूखे कपड़े हैं जो धोए थे शाम मैंने, तो ये गिल्ले कपड़े हैं, ये सूखे कपड़े हैं इसमें, और मतलब छोटा मोटा सा सामान ही है जो मैं लेके गई थी कपड़े वगैरह। और बाकी मेरे साथ आया है कृष्णा, ये लग गया है। तो जैसा मतलब मैं साफ सुथरा सा ही करके गई थी, तो इतना कुछ नहीं फैला हुआ, लेकिन जो भी है थोड़ा बहुत तो वो मैं अभी करूँगी, क्योंकि फिर सुबह के टाइम उठते ही भगदड़ मच जाती है। और सबसे ज़्यादा काम जो है, क्योंकि मैंने कपड़े धोए थे उस दिन भी, तो मतलब सुनीता ने धोए थे कपड़े, तो वो रखे हैं, तो उनको भी मैं रखूँगी अभी के अभी तय करके, या जो प्रेस करने के वो निकाल के। और कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो मैं प्रेस के कपड़े भिजवाऊँगी कल को, मैं खुद नहीं करूँगी क्योंकि और भी काम हो जाते हैं बहुत सारे। और फिर परसों को बच्चों को स्कूल जाना है, तो उसकी भी तैयारी करनी है। तो मतलब ज़्यादा तो नहीं कह सकते कि कंडीशन ख़राब है घर की, लेकिन किचन की सबसे ज़्यादा होती है, तो किचन में मैं लगी हुई थी आके। मतलब थोड़ा बहुत मैंने कर भी दिया है, 15-20 मिनट मुझे आए हुए होगी, तो मैंने थोड़ा बहुत अपना जो काम है वो शुरू कर दिया है। तो जो बर्तन पड़े थे ऐसे ही, इसके डैडी आए थे ना दिवाली वाले दिन पूजा करने के लिए, तो बर्तन थैले से पड़े थे, आके दूध को उबाल भी दे दिया और दूध उबाल भी दिया मैंने, तो मैं कुछ करने लगी थी। तो जी बस चलिए देखते हैं, करते हैं जो सामान जहाँ रखने का है उसको मैं फटाफट से रखूँगी। और खाने में बनाऊँगी बहुत ही सिंपल सा खिचड़ी बनाऊँगी मैं, ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊँगी, क्योंकि सुबह के टाइम हमने मतलब दोपहर ही हो गई थी जब मैंने बनाई थी, तो आलू की पूरी खाई थी, तो उसके बाद ये बोल रहे थे कि कुछ हल्का सा ही बनाना। तो जी चलिए बस फिर मैं पहले सबसे कपड़े चेंज कर लेती हूँ, उसके बाद मैं करती हूँ काम शुरू। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो जी चलिए फिर शुरू करते हैं, राधे राधे। तो जी देखिए यहाँ पे लगी हूँ मैं अपना काम करने के लिए, सुबह नहीं सॉरी शाम का टाइम है ये। तो मैंने कुछ सफाई कर दी थी और कुछ जो है मैं भी कर दूंगी, क्योंकि सुबह के टाइम काम बहुत फैल जाते हैं। तो जो रात को करने के काम थे वो मैंने सोचा कि चलिए रात में जितना हो सके मुझसे मैं कर लेती हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने अपने किचन को ही संभाला है, क्योंकि किचन ही सबसे ज़्यादा मेन होता है। बाकी तो देखिए सभी है, लेकिन इतना मतलब गंदा नहीं था किचन में, यही कहने लगूँ कि किचन गंदा था, लेकिन थोड़ा सा बिखरा हुआ सा रहता है, तो वैसा लगता है कि बहुत गंदा है, तो उसे समेटना ज़रूरी है। तो देखिए बस यहाँ पे मैंने सबसे पहले तो धोए हैं बर्तन, और क्योंकि बर्तन ही रखे थे सामने तो वही साफ़ करने ज़रूरी थे, और जब तक बर्तन नहीं होते तो ऐसा लगता है कि किचन बिखरा पड़ा है। उसके बाद जो है मैंने किचन टावल अपने साफ़ किए हैं, इन्हें भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद मैंने रखी है खिचड़ी बनने के लिए। तो जी कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे कि जैसे मैं रहती हूँ किराए के मकान पे, मैं क्यों रहती हूँ। तो जी देखिए सबकी फैमिली के अपने अपने इश्यूज होते हैं, अपनी अपनी कंडीशन होती है, सिचुएशन होती है, जिसके हिसाब से ही सारे डिसीजन लिए जाते हैं। तो जिस टाइम हमने घर चेंज किया उस टाइम हमें मकान रेंट पे लेना ज़्यादा सुटेबल लगा बजाय कि घर बनाने के, क्योंकि जी देखिए एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए घर बनाना कोई आसान काम नहीं है, बहुत सोचना समझना पड़ता है, और ऐसा भी नहीं है कि 2-4 रुपए में ही बन जाता है। तो उस टाइम हमें लगा कि रेंट पे रहना अभी ज़्यादा सुटेबल होगा बजाय अपना घर बनाने के, क्योंकि अच्छी खासी रकम दे के चाहिए होती है मकान बनाने के लिए, चाहे वो 2 रूम बनाने हो, चाहे 4 रूम बनाने हो, चाहे घर बनाना हो, चाहे एक खाली छोटा सा मकान बनाना हो। तो इसलिए हम लोग रेंट पे रहते हैं, और जब भी भगवान करेगा, जब भी मौका मिलेगा, तो हम अपना घर जरूर बनाएंगे। और रही उस घर की बात, तो जी देखिए वो सास मेरी है अभी, और ये भी 5 भाई हैं, तो उसमें मैं ये नहीं कह रही कि वो हमारा घर है या मेरी बहन का घर है, वो एक जॉइंट घर है, जैसे कि गांव में सबका घर है, वहाँ पे जाके कोई भी रह सकता है, ऐसे ही वो घर भी सबका है जिसमें कि कोई भी रह सकता है, मैं रह सकती हूँ या मेरी बहन रह सकती है। सब इसलिए नहीं रह सकते क्योंकि जगह कम है और फैमिली बड़ी है, मेरे पास भी बच्चे हैं, बड़े होने लग रहे हैं, बढ़ते हुए बच्चे हैं, मेरी बहन के पास भी बच्चे हैं, देवर भी है हमारा। तो ये इस चीज़ आप खुद सोच सकते हैं कि इतनी बड़ी फैमिली 1-2 रूम के घर में कैसे एडजस्ट करेगी। तो इसलिए हम लोग थोड़ा रेंट पे रहते हैं कि जब भी हमारा हिसाब से बनेगा तो फिर हम अपना मकान बना लेंगे। और रही बात दी देखे किराए के घर की, तो जी मकान अपना जो आजकल सभी हैं अपना लोन लेके या कैसे भी करके मकान बनाते हैं, क्योंकि इतना पैसा
मिडिल क्लास फैमिली के पास तो नहीं होता कि वो अपना खुद के पैसों से मकान बनाए, कहीं ना कहीं से एडजस्ट करना ही पड़ता है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि वो भी मकान एक तरीके से किराए का ही होता है, क्योंकि जब तक हम उसकी किस्त दे रहे होते हैं तब तक मकान हमारा नहीं होता। आप एक दो किस्त मिस कर दीजिए तो बैंक जो है आपको नोटिस भिजवा देगा, आपका मकान जो भी है घर दुकान वो अपने कब्जे में ले लेगा, तो वो मकान अपना कहाँ से हुआ? या नहीं मानते? अगर आप लोग मेरी बात से सहमत है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि जब तक हम उनको पैसे दे रखे हैं तब तक मकान अपना है, एक दो किस्त छूट जाए तो मकान सीधा बैंक के अंदर चला जाता है। यहाँ कम से कम वो रिस्क तो नहीं है कि जितनी हमने जमा पूंजी जमा की है वो हमारी हाथ से चली जाएगी, अपना जितना बजट बनता है उसी हिसाब से हम पे करते हैं, वैसा ही अपना मकान देख लेते हैं, और जब भी हिसाब बनेगा तो हम अपना मकान जरूर बनाएंगे। आप लोगों का साथ रहा, भगवान का आशीर्वाद रहा, तो जल्द ही वो दिन आएगा कि हम लोग अपने खुद के मकान में जाएंगे, अपना खुद का मकान शिफ्ट में होगा, मतलब अपना खुद का मकान हम रखेंगे या शिफ्ट हो जाएंगे उसमें। तो जी देखिए, मैंने खाना वगैरह बना लिया है और पीहू रूही गई हैं ऊपर, जो किराए मतलब मकान मालिक हैं उनके बेटे का जन्मदिन था तो उन्होंने बुलाया था, तो पीहू रूही वहाँ चली गई थी, तो इसीलिए जो है खाना बना। तो जी ये अगला दिन है, यहाँ पे सुबह के टाइम मैं और कृष्णा के डैडी पी रहे हैं चाय, और बहुत से लोगों को इस चीज़ से भी दिक्कत होगी कि कृष्णा के डैडी मुझे चाय देते हैं, तो जी आपको दिक्कत होगी क्योंकि देखिए हम सबको खुश नहीं रख सकते, ना सबके हिसाब से अपनी ज़िंदगी जी सकते। तो जैसे हमारा घर चलता है, जैसे हम दोनों आपस में ठीक रहते हैं, कंफर्टेबल रहते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, अपना घर चलाते हैं, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है बजाय कि आप कुछ एक लोगों की सलाह मानने के। तो घर को वैसे चलाइए जैसा आपका घर चलता है बजाय दूसरों की बातों में आने के। तो जी सुबह का टाइम हो गया, चाय पी के बैठे थे, थोड़ी देर लग गई इसमें, आधा पौना घंटा, और ये चले गए हैं बुटीक पे। तो अब मैं कर रही हूँ सुबह की साफ सफाई, कर ली है कुछ तो थोड़ी सी रहेगी, मैं झाड़ू पोछा करूंगी। और ये देखिए आपके इसलिए कहना भारी भाषा ना, आपके पूतने देखो क्या करके दे रहा, ये काजल आपने करा ना, झूठ बोल रहे फिर से सुबह ही सुबह। अब आवेगा वो चूहा, पुलिस वाला भी आवेगा, चूहा आवेगा, पुलिस वाला पकड़ कर तुझे जाल में घेर देगा, चूहा तेरा कट ही करेगा, या तो बता दे तन्ना कराना, अरे झूठे हट। तो जी चलिए बस फिर मैं अपना कर लेती हूँ काम शुरू फटाफट से। प्यूर हुई पानी गर्म हो गया, तुम दोनों नहाओ जाके, और मैं कर रही साफ सफाई फटाफट, ठीक है? तो जी देखिए आप के लाडले की ये करतूत, जिसको कि मैं कर रही हूँ सही, इसने काजल रगड़ दिया है यहाँ पे, तो ये तो चलिए खैर कोलिन से साफ हो गया, मुझे लग रहा था कि ये नहीं होगा। और बस इसके बाद जो है बच्चे भी नहाए धोए थे, कृष्णा के डैडी चले गए थे बुटीक पे, तो बच्चे भी नहा धो लेते और मैं अपनी साफ सफाई करने लगी हूँ, क्योंकि रात के टाइम मैंने थोड़ी साफ सफाई कर दी थी इसलिए सुबह के टाइम मुझे ज़्यादा नहीं लगा वक्त करने में। तो यहाँ पे अभी मैं लगा रही हूँ झाड़ू, और तीनों बच्चे नहा लिए हैं, तैयार कर दिया है उनको भी मैंने, और उसके बाद झाड़ू लगाने के बाद मैं करूँगी पोछा और साफ सफाई बाकी की। तो झाड़ू लग गई है यहाँ पे और बच्चे भी पता नहीं क्या क्या करने में लगे हुए हैं। रूही को तो अपना काम ही, रूही हमारी ऐसी है कि जैसे उसका कुछ काम छूट रहा है ना, वो उठते ही उसी में ही लग जाती है सबसे पहले, बिना नहाए धोए या कुछ भी, तो उसको ये रहता है कि फटाफट से तो अपना काम कर ले। और उसका ऐसा है कि वो जिस चीज़ में जुट जाती है ना, उसको फिर आसपास कुछ नहीं नज़र आता बिल्कुल भी, आप उसे कितनी आवाज़ लगाते रहो उसे सुनेगा नहीं वो, चाहे फिर अपना स्कूल का काम कर रही है, टीवी देख रही है, मोबाइल देख रही है, कुछ भी, मतलब वो बिल्कुल रम जाती है उसमें। और वो देखिए अब भी हुई है ना पीछे कंप्यूटर पे, वो बैठी हुई काम कर रही है वहां पे अपना स्कूल का, और मैं लगा रही हूँ पोछा। और ये आपका गधा देखे क्या कर रहा है, ये तो सारा दिन उल्टे सीधे काम करने में लगा रहता है, यहाँ से हटाओ वहां, वहां से हटाओ वहां, बस इसका यही काम रह गया है। तो जी देखिए मैंने लगा दिया है अंदर पोछा, और यहाँ बाहर की साइड भी मैं पोछा लगा दूंगी, क्योंकि यहाँ पे जो मकान मालिक है इन्होंने काम लगाया हुआ था, तो मैंने शायद पहले भी बताया था कि इन्होंने नई गाड़ी लिया है, तो उसकी वजह से इन्होंने अपने गेट को थोड़ा सा बढ़ाया है, थोड़ी सी टूट फूट उसमें करवाई है, तो जिसकी वजह से सारे में ना किरकिर सा हो रखा था। तो मैंने सोचा कि चलिए भाई पोचा लगा दूँ, और इधर की साइड गाड़ी खड़ी थी, तो मैं बस यहाँ पे जहाँ गाड़ी नहीं थी वहीं पर ही मैंने पोचा लगा दिया है, और कृष्णा भी अपनी गाड़ी लिए घूम रहा है मेरे पास ही। तो जी देखिए बस बाहर की साइड लग गया है पोछा, और अब मुझे करना है अंदर की साइड बाथरूम टॉयलेट साफ। और आपने बोला था पहले मैं क्या करती थी कि मैं पोछा लगाने से पहले ही वॉशरूम वगैरह धो देती थी, उसके बाद ही मैं फिर पोछा लगाती थी, लेकिन जब से आप लोगों ने बताया है तो मैं वैसा ही करती हूँ, मैं पोछा लगाने के बाद नहाने से पहले मैं टॉयलेट बाथरूम धोती हूँ। और मुझे कूड़े की बाल्टियाँ भी धोनी थी, क्योंकि जब मैंने साफ़ सफाई की थी तो मतलब कूड़े की बाल्टियाँ रह गई थी धोनी, तो और फिर मैं उधर चली गई थी, तीन चार दिन लग गए मेरे वहाँ पे,
तो आके बस जो भी मेरा काम पेंडिंग पड़ा था ना, वो मैंने सारा कर दिया। और यहाँ पे बस मैं अपनी कूड़े वाली जो डस्टबिन है वो धो रही हूँ, उनको भी धोना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद बस मैं बाथरूम वगैरह को धो के, खुद भी मुझे नहाना धोना था, बच्चे भी नहा लिए थे, सब नहा लिए थे, बस मैं ही रह गई थी। और इन्हीं कामों की वजह से फिर मैं थोड़ा सा लेट हो जाती हूँ कि भाई इनमें साफ़ सफाई करनी है, तो इसके बाद ही फिर मैं नहाऊंगी। तो देखिए बस यहाँ पे बाथरूम को मैंने कर दिया है अच्छी तरीके से क्लीन, और इसके बाद मैं नहाई धोई हूँ, उसके बाद मैं कर रही हूँ नाश्ता। तो नाश्ते में रात की खिचड़ी बची हुई थी, वही हमने खाई है, क्योंकि बच्चे चले गए थे जन्मदिन में और मैं और कृष्णा के डैडी रह गए थे। तो जो बची थी फिर ये बोलने लगे कि इंदु कुछ और मत बना, ये वेस्ट होगी, तो इसी को ही हम खा लेंगे नाश्ते में। और रात की बची हुई खिचड़ी को जब आप घी में फ्राई करके खाते हैं ना, तो बहुत टेस्टी लगती है, बजाय रात मतलब ताजी इससे भी बहुत टेस्टी लगती है। तो जी बस देखिए यहाँ पे मैंने अब नाश्ते के बर्तन साफ कर दिए हैं और मेरा सुबह का काम हो गया है फिनिश। तो जी सुबह का निपटा लिया मैंने सारा काम अपना जो भी है, और टाइम बताऊंगा आपको, बजने लग रहे 12 और कृष्णा हो गया सोने के लिए परेशान। तो अब इसको सुलाऊंगी मैं, पहले यहाँ सोएगा, इस कमरे में सोएगा, कौन से कमरे में सोएगी, यहीं पे सोएगी। तो बस अब मैं पहले इसे सुलाऊंगी और उसके बाद वीडियो एडिट करूंगी, उसके बाद फिर बनाऊंगी मैं दोपहर का खाना। तो जी बस यही सारा काम है, लेकिन करके सुकून है, क्योंकि पता है कि कहाँ से शुरू करना कहाँ पे ख़त्म करना। तो जी चलिए बस फिर मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे। बोलो राधे राधे, जल्दी बोलेगी नहीं, अयो नहीं बोलेगी जी, इसका तो मूड खराब है। चलो जी मेरी सबकी तरफ से राधे राधे।